ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शंकर को तुलसी चढ़ाई जाती है और भगवान नारायण को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भगवान हर और हरि को गोपी चंदन भी लगाना बहुत शुभकारी माना जाता है। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यदि घी का दीपक जलाया जाए तो बहुत ही बहुत शुभकारी होता है। जो लोग इस दिन भगवान की पूजा करते हैं, भगवान महादेव को तुलसी और नारायण को बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो अंत में स्वर्ग ही जाते हैं। वैकुंठ ही उन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन हर और हरि की पूजा विशेष होती है। अगर संभव हो तो इस दिन महादेव और शालिग्राम को एक साथ नहलाएं, वहीं बेलपत्र और तुलसी पत्र को दोनों भगवान को एक साथ ही चढ़ाया जाए तो ये तिथि बहुत ही अद्भुत होगी आपके लिए। और वहीं ये सब शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता की अध्याय नंबर 34 से ये जानकारी आपको मैं दे रही हूँ। इसलिए इस दिन हर और हरि की पूजा करके अपना जीवन सार्थक बना लीजिए। यदि कहीं इस दिन कमल के फूल मिल जाए तो महादेव को कमल का फूल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि साल भर में एक बार वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा आता है जिसमें रात्रि के 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में भगवान शंकर को तुलसी और भगवान नारायण को बेलपत्र समर्पित की जाती है। फिर यदि वो बेलपत्र और तुलसी को लेकर शहद की शीशी में रखा जाता है और शहद की शीशी में रखने के बाद फिर जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, बुद्धि में कमज़ोर है, जिसका मन पढ़ाई में स्थिर नहीं होता है, जो बच्चे के साथ साथ बड़े भी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, तो एक महीने तक वो शहद उनको चटा दिया जाए तो उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। हर हर महादेव।